है तुम्हें। नाइस ढूंढे सर, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। फर्स्ट टाइम वी आर प्रेजेंटिंग दिस सॉन्ग लाइव, वी वुड हैव और ज्यादा म्यूजिशियन हो सकते थे लेकिन अभी के लिए, लेकिन लेट्स प्ले द सॉन्ग, आई एम श्योर यू विल ऑल लव इट। Thank you so much. तालियां बजती रहनी चाहिए इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद। Please put your hands together one more time for Ajay Atul and these amazing musicians here. जितने लोगों ने भी उनका साथ दिया, और यहाँ पे भूषण सर, I take this opportunity of thanking you एक एक भारतवासी की तरफ से। टी सीरीज, जिसका ऑफ कोर्स नाम संगीत में सबसे पहले आता है और अब देश का सबसे बड़ा प्रोडक्शन स्टूडियो है, लेकिन संगीत और इस हिसाब से जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं उसके लिए जोरदार तालियां फॉर टी सीरीज और ऑफ कोर्स भूषण कुमार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने कहा पहले भी, हमारी बातचीत हो चुकी है, आपसे बड़े संगीत के साधक
मुझे नहीं लगता कोई होंगे, और यहां पे हर एक इंसान इस बात को मानेगा. सर इंस्पिरेशन, अगर क्विकली इफ आई आस्क यू, इसका इंस्पिरेशन और श्री राम नाम जो कि कण कण में है, हम सबके मन में है, उसको इस खूबसूरती से प्रस्तुत करना और कुछ अलग बना देना, कैसा था, क्या था? इसका इंस्पिरेशन एक ही है, ये नाम श्री राम. ये पहला गाना था जो हमने, ये जैसे फिल्म हमको ऑफर हुई, पोम मिलने आया, एंड स्टोरी तो हालांकि सब हम सबको जानती है, तो इस स्केल पे करना है. उसने जब जैसे स्केल बताया किस तरह करना है, वो सब हमने देखा, सारे उसके सारे फोटोग्राफ्स, हाउ वी वांट टू डू, ही एक्सप्लेन एवरीथिंग. एंड चार दिन के बाद हम लोग मिले. दिस वॉज द फर्स्ट सॉन्ग वी मेड. एंड ये रास्ता, ये नाम से, ये नाम में ही इतनी इतनी ताकत है कि वो, आई कैन से द पावर और वो भक्ति ऑटोमेटिकली आ ही जाती है उसमें. तो हमें मतलब ऐसा नहीं था कि हम बहुत सोच रहे थे, ये गाना जैसे जैसे उन नाम की वजह से वो गाना इस तरह से आ गया कि चार दिन में वी डोंट, हमको इससे पहले नहीं हुआ था इतना जल्दी, इतने जल्दी गाने नहीं हुए थे, बट ये गाना हो गया लाइक बिकॉज ये इतना पावर है इसमें कि हमको सिर्फ इसमें दिखाना था कि वो एक शक्ति दिखे, और वो क्योंकि राजा राम हम इसमें कह रहे हैं, जय श्री राम के साथ राजा राम कह रहे हैं, और ये पूरी जो वानर सेना है वो शायद अगर उसको गाए तो कैसे साउंड करेगा. ऑल दैट वी वॉन्टेड टू मेक एक मार्चिंग इफेक्ट वी वॉन्टेड टू डू. सो आई होप एवरीबडी लव्ड इट. ओके सर, यू आर थिंकिंग ओवर इट. इस समय इतना जोश हम में भर गया है, मुझे लगता है हम भी एक पुल बनाने के लिए तैयार है. हर कोई वो वानर सेना का हिस्सा खुद को महसूस कर रहा है. सर आपसे मैं कहूं, हर किसी की आंख में वो गर्व देख सकते हैं हम, सर की आंख में, आपकी आंख में, कितना कितना फक्र हो रहा है, कितना गौरवान्वित फील कर रहे हैं आप इसको करने के बाद? हम लोग जैसे सब लोग आप ही की तरह पूरी पूरी दुनिया जैसे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आदि पुरुष हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि ये गाने कब आप लोगों के सामने आ जाए. ये जो पर्टिकुलरली गाना है, इसमें हम एक एक जगह, एक ऐसी चीज है कि जहां पे हम हर इमोशन, हर कोई जो इंसान है श्री राम जी के बारे में, क्या उसके दिल में इमोशन है, वो कितना भावुक है, कितना उनके बारे में भक्ति है, और दूसरी वो पावर, वो भी दिखाई, मतलब आपको आंख बंद करके आपको वो, जैसे अजय ने कहा कि वानर सेना जिस तरह से अगर गाए तो वो कैसे गाए, और जब प्रभु श्री राम लंका की तरफ चलते जा रहे और पीछे से जो अथांग पूरी सेना होगी, अगर वो पूरी तरह से गाए तो आंख बंद करके भी ये दृश्य हर किसी के यू नो इमेजिनेशन में आना चाहिए. ये एक थॉट था, और वो क्योंकि हम लोगों ने जब ये डिस्कस किया था तो हमारे पास बहुत सारे विजुअल नहीं थे, जो इमेजिनेशन था. अब ये कनेक्शन ये ओम राउत को भी जाता है उसका क्रेडिट, कि उसने जिस तरह से हमें एक्सप्लेन किया, और आई थिंक उसने जैसे उसको जैसे चाहिए था वो तरह, वो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत खरा उतर सके हैं ऐसा मुझे लगता है. जोरदार तालियां हो जाए प्लीज. और एक चीज मुझे कहनी चाहिए जो शायद अभी इधर दिख नहीं रहे मुझे, जो है मनोज जी, मनोज मुंतशिर, वी हैव टू क्लैप फॉर हिम. अमेजिंगली दिया लेकिन बहुत बहुत कठिनाई होती है कि देखो ये गाने में पावर है, डेफिनेटली है, लेकिन ये गाने में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम सबको चाहिए थी वो भक्ति चाहिए थी. अब भक्ति को एक ट्यून में लाना और वो शुद्ध हिंदी शब्द में लाना, वो सिर्फ मनोज जी कर सकते थे, और इतना खूबसूरती से उन्होंने लिखा है ये गाना. सो वी शुड एक्चुअली, आई एम मिसिंग यू मनोज जी हियर, वी शुड हैव हिम हियर. जिस खूबसूरती के साथ हर किसी ने इसे अपनाया है, जैसा मैंने कहा हर जगह ये राम नाम के रूप में सुनाई दे रहा है, उसके लिए जोरदार तालियां, बधाई के पात्र हैं ये सब और पूरी की पूरी टीम. श्री राम का इंस्पिरेशन, आई एम श्योर ऊपर से ही वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको और इस पूरी सेना को, तो आप लोगों के लिए जोरदार तालियां एक बार. और एक चीज कहना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम, मे बी नॉट फर्स्ट टाइम बट बहुत दिनों के बाद, आई वुड से बहुत दिनों के बाद, कोई एक लौता सिंगर नहीं है जिसने ये गाना गाया, यही लोग हैं जिन्होंने ये गाना गाया, यही हमारा कोरस है जिन्होंने गाना गाया, और इतना खूबसूरती से उन्होंने, इतना इमोशन और इतना खूबसूरती से उन्होंने गाया है, ऑल द डायनामिक्स एंड ऑल दैट.
कई बार ऐसे होता है कि एक पहला शब्द सुनने के बाद वो सिंगर के साथ कनेक्शन जल्दी बन जाता है, लेकिन इस गाने में ऐसा हुआ, हम लोगों को भी हुआ, पहला ही शब्द जब गाते हैं वो तभी इमीडिएटली कनेक्शन बन जाता है, बिकॉज पहला ही वर्ड उन्होंने इतना खूबसूरती से गाया है। सो आई रियली थैंक यू ऑल, ब्यूटीफुल। आप लोगों ने हमको ये फील करवाया, इतना गर्व दिया, तो मैं अब यहाँ पे आपसे गुजारिश करूंगा, आप लोग भी बैठिए और आप सब भी विराजमान हो जाइए, बिकॉज अब आप सबके लिए हमारे पास ट्रीट है इस बड़े पर्दे पर। और इन